नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे लहसुन और शहद की जुगलबंदी जो होती है वो हमेशा फायदेमंद नहीं होती है। आपने अक्सर जो YouTube पर वीडियोस देखे होंगे उसमें इसके फायदे गिनाए जाते हैं। नो डाउट ये बहुत ही कमाल की औषधि है और बहुत इसके फायदे हैं, हमने भी आपको बताया हुआ है इस चैनल पर। लेकिन कितना कारगर है ये वजन को कम करने के लिए, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल किया उस वीडियो पर, तो इसीलिए हम सोचे कि आज आपको इससे अवगत कराएं। ये फायदेमंद औषधि है, लेकिन कुछ ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। लहसुन और शहद का इस्तेमाल दुनिया भर की पारंपरिक दवाओं में किया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही किया जाता है। लहसुन में मुख्य स्वास्थ्य घटक एलिसिन होता है। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर और अन्य रसायन भी होते हैं जो कि लहसुन को जीवाणुरोधी और रोग से लड़ने वाले गुण प्रदान करते हैं। वहीं पर शहद प्राकृतिक रूप से हाई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जिसे फ्लेवोनोइड और पॉलीफिनोल्स का अच्छा सोर्स माना जाता है। ये रसायन शरीर में सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करने और कुछ बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। शहद में जीवाणुरोधी गुण भी होता है जो कि एंटीवायरल और एंटीफंगल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये वजन कम करने में भी बहुत सहायक हो जाता है। वजन घटाने के लिए लहसुन और शहद कैसे इस्तेमाल करना है? जी हाँ, बहुत से लोग वजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट लहसुन और शहद को एक साथ खाने का सुझाव देते हैं। इस नुस्खे को पुराने वक्त से ही बहुत कारगर माना गया है। शोध बताते हैं कि ताजा लहसुन काट करके या कुछ करके शहद में मिलाने से अधिक एलिसिन जारी हो जाता है। दरअसल खाली पेट पर एक फली या दो कच्चे लहसुन को शहद में मिला करके खाना पाचन को बढ़ावा देगा और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी सुधार कर पाएंगे। इसके साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी जाना जाता है, तो इसलिए भी फायदेमंद है। लहसुन और शहद को एक साथ लेने से नुकसान क्या हो सकता है? फायदा तो आप समझ गए कि आपका वजन कम होगा। लहसुन और शहद में पोषण और स्वास्थ्य यौगिकों के कारण कुछ लोगों में दुष्प्रभाव या प्रतिक्रिया हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों में लहसुन या शहद की खुराक लेने से पहले आप इसीलिए डॉक्टर से बात कर लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी की प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है और वो आपके डॉक्टर अच्छे से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को एक साथ लेना कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि लहसुन और शहद कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है, तो या तो आप टेस्ट करना है तो बहुत थोड़ा सा लेकर के टेस्ट कर लीजिए पहले, फिर कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप अपनी बॉडी का एक बार चेकअप करा करके डॉक्टर से देख लीजिए, फिर ठीक है। लहसुन की खुराक का ज्यादा हो जाना आपके खून को पतला कर सकता है और रक्तस्राव बढ़ सकता है। जी हाँ, तो इसीलिए इसकी मात्रा 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक लहसुन होना चाहिए या डेढ़ लहसुन या दो ले सकते हैं हार्डली। इससे ज्यादा अगर आपने लिया कि मेरा वजन जल्दी कम हो जाए, तो समझिए आप अपने लिए घातक बना रहे हैं। वो लोग जो कुछ दवाइयों के सहारे रह रहे हैं, लहसुन और शहद के दवाओं के साथ नकारात्मक रिएक्शन करने के प्रभाव ज्यादा होते हैं, तो अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो आप मत लीजिए इसको, ये ध्यान रखिए। वहीं पर शहद का सेवन मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है। अपने आहार में शहद को शामिल करने से पहले आपको इस स्थिति में आहार विशेषज्ञ डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों में इन दोनों चीजों को लेने के बाद खांसी, चेहरे या गले में सूजन, सिर चकराना, जी मिचलाना, उल्टी, बेहोशी, पसीना आना, त्वचा की प्रतिक्रिया और अनियमित धड़कन इत्यादि की समस्या महसूस होने लग जाती है। साथ ही साथ कुछ लोगों को इससे सीने में जलन और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर ये समस्याएं हैं तो आप इनको मत लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो किन लोगों को लहसुन और शहद लेने से बचना चाहिए, सवाल ये आता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि कच्चे लहसुन से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसे में जिनको पेट से जुड़ी कोई परेशानी है तो वो कच्चे लहसुन का सेवन करने से बचें। अगर कोई खून को पतला करने की दवाई ले रहा है तो वो भी इन दोनों का सेवन करने से बचे। जिन्हें लिवर की गंभीर समस्या है, इसके सेवन से पहले डॉक्टरी परामर्श उसके लिए जरूरी हो जाता है, इससे उनके लिवर को नुकसान हो सकता है। जिनको पेट में खास करके अल्सर वगैरह की समस्या हो, जिनको माइग्रेन की समस्या है, वो इसका सेवन न करें, क्योंकि हो सकता है कि इसकी गंध से आपकी समस्या और बढ़ जाए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लहसुन का सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करें।
लहसुन हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफी लाभकारी होता है। ऐसे में लो ब्लड प्रेशर में ये नुकसानदायक हो सकता है। लहसुन और शहद दोनों अपने औषधीय गुणों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। साथ ही साथ ये दोनों वजन घटाने के लिए भी बहुत कारगर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा वजन घटाने के लिए इसे एक हद से ज्यादा लें। इसीलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, इसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप फिट हैं तो अपनी बॉडी की प्रकृति को समझते हैं तब इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। औषधि कमाल की है, बस जो हमने आपके लिए सावधानियां बताई इनको समझिए, इस्तेमाल कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका लाभ होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अच्छी जानकारी मिल सके। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, तो कर दीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।